हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, मैं हूँ रवि, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल दिन रात में। गाइज, आज का टॉपिक लेकर आए हैं कि कंफर्म टिकट से ट्रेन टिकट बुक करना हुआ आसान। देखिए कैसे आसान हुआ, आइए आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो पे एंड तक बने रहेंगे, वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, क्योंकि एक एक सेटिंग, एक एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आइए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर हमेशा लेकर आता रहता हूँ। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने पे। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या काम करेंगे, कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। उसके बाद कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले ओपन कर लेने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होता है, प्रोसेस तक का हम लोग को वेट कर लेना है। देन उसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे फ्रॉम स्टेशन, मतलब कि आप जहाँ से जाना चाहते हैं, जहाँ से ट्रेवल करना चाहते हैं, जहाँ से गाड़ी में चढ़ना चाहते हैं। तो चलिए मैं आसनसोल में हूँ, आसनसोल से मैं चढ़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आसनसोल में फिल कर लिया। और सेकेंड नंबर में यहाँ जो यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके जहाँ आप जाना चाहते हैं वो स्टेशन का नाम दे देंगे। चलिए तो मैं गया जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से गया का नाम दे दिया हूँ, मैं यहाँ गया जंक्शन सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस निकल के आता है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। आज 2 तारीख है, मैं 20 तारीख का डेट सेलेक्ट किया हूँ। 20 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लेने के बाद देखिए सिंपली हम लोग को क्या काम करना है, सर्च पे क्लिक करना है, सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपको आसनसोल से गया जाने वाली जितनी सारी ट्रेन होगी सभी यहाँ पे शो कर जाएगा। आप जिस स्टेशन का नाम सर्च करेंगे उस स्टेशन के बीच में जितने सारे ट्रेन होंगे जाने वाले सभी यहाँ पे शो करेंगे। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जिस ट्रेन में ट्रेवल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, टाइम टेबल देख के जिस टाइम में आप कंफर्टेबल हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए तो मैं देख लेता हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन कर लिया हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है चंबल एक्सप्रेस, चंबल एक्सप्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अच्छे से देख लेंगे यहाँ पे क्या है, स्लीपर, स्लीपर में बुक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे SL मतलब स्लीपर होता है। अब यहाँ पे देखिए वेटिंग लिस्ट 12 है, WL 12 है और 78% चांस है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, दिखाई देगा कि कितना परसेंट ये रहता है तो कन्फर्म बुक हो जाता है, कितना परसेंट तक कन्फर्म बुक होने का चांस होता है। उसके बाद क्या काम करना है हम लोग को, सिंपली यहाँ पे बुक पे क्लिक कर देना है। बुक पे क्लिक कर देने के बाद देखिए क्या काम करना है, देखिए इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस निकल के जैसे ही आता है उसके बाद हम लोग को क्या काम करना है, यहाँ पे देख लेना है पैसेंजर डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है बोर्डिंग स्टेशन, बोर्डिंग स्टेशन आसनसोल। यहाँ पे नहीं कि शाम को 8:40 में मेरा ट्रेन है वेडनेसडे को 20 दिसंबर को। यहाँ से आप अच्छे से देख लेंगे, अगर चेंज करना चाहते हैं तो स्टेशन का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा IRCTC का यूजर ID यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ एडिट करके आप दूसरा यूजर ID भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से आपको IRCTC में जो अकाउंट बनाया है उसका यूजर ID पासवर्ड यहाँ पे लगेगा। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा हूँ तो मेरे से दोबारा नहीं मांग रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एक लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं एक टिकट पे। तो देखिए उसके बाद क्या काम करना है कि अगर आप मेल हैं तो मेल पे सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं मेल पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे नेम लिखना है तो आप भी यहाँ पे अच्छे से नाम लिख लेंगे। नाम लिख लेने के बाद देखिए इस तरह से कुछ नाम लिख लेने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पे एज फिल कर लेंगे। एज फिल कर लेने के बाद देखिए बर्थ प्रीफ्रेंस, बर्थ प्रीफ्रेंस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ। रिजर्वेशन करवाएंगे तो आपको एक लोअर जो नीचे का सीट होता है, मिडिल मतलब जो बीच का सीट होता है, अपर मतलब जो ऊपर का सीट होता है। यहाँ पे साइड लोअर और साइड अपर है। साइड लोअर मतलब विंडो साइड में जो सिंगल सीट रहता है वो साइड लोअर हुआ, और अपर जो ऊपर का रहता है विंडो साइड का ऊपर वाला सीट होता है वो वाला रहता है। उसके बाद देखिए इस तरह से अगर
रहेगा। अगर आपका सीट अवेलेबल है तब यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपने सीट का। अगर आपका सीट वेटिंग में है, अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से कुछ मत सेलेक्ट कीजिए, नो प्रिफ्रेंस पे क्लिक कीजिए। नो प्रिफ्रेंस पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि अगर आप च्वाइस वाला सीट सिलेक्ट करते हैं तो च्वाइस वाला सीट अगर खाली होगा तभी आपका कन्फर्म बुक हो पाएगा और नहीं तो नहीं बुक होगा। इसलिए यहाँ पे कोई च्वाइस नहीं कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेशनलिटी इंडियन है, इंडियन पे ही रहने देना है। यहाँ से क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर इंडियन है तो इंडियन कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सिंपली सेव पे क्लिक कर देने के बाद देखिए हम लोग को क्या काम करना है। देखिए यहाँ पे अपना नंबर फिल करना है, आपका जो नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। आप यहाँ पे नंबर फिल कर देंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देंगे। चलिए मैं अपना नंबर भी फिल कर लिया हूँ और ईमेल आईडी भी फिल कर लिया, मैं अपना नंबर भी फिल कर लिया हूँ और उसके बाद ईमेल आईडी भी फिल कर लिया हूँ। आप चाहें तो अपना नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी आप नंबर यहाँ पे फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी एक आदमी जा रहे थे तो यहाँ पे अगर आपको एक और आदमी जाना है वही टिकट पे, दोनों साथ में जा रहे हैं, तो ऐड एडल्ट पे क्लिक करके यहाँ से और ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड एडल्ट पे किए यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नहीं ऐड करना था, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके साथ में कोई बच्चा है तो बच्चा को यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ से देखिए जीरो से चार साल तक का बच्चा है तो आप यहाँ से चाइल्ड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए मैं कैंसिल कर देता हूं कि मैं नहीं ऐड कर रहा हूं। उसके बाद क्या काम करना है, देखिए स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा आपके पास, इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे जो कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन है इसको टिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे। उसको इसलिए चेक कर लेंगे कि यहां पे कोई भी सीट खाली होता है तो ऑटोमेटिक आपका सीट रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद अब यहां हम लोग को कुछ नहीं करना है, सीधा और नीचे देखिए प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे जैसे ही, अब देखिए यहां पे आ रहा है। देखिए यहां पे अगर आप ट्रेन टिकट कैंसिल करेंगे तो कोई चार्ज आपसे नहीं लिया, कोई चार्ज नहीं कटेगा आपसे। उसके लिए क्या काम करना है, पहले आपको ₹50 देना पड़ेगा। तो गाइज अगर आपको पता है कि आपको ट्रेवल करना ही है तो आप यहां पे इसको नो पे क्लिक करेंगे। और अगर लग रहा है, सस्पेंस लग रहा है कि ट्रेवल करेंगे कि नहीं करेंगे, हो सकता है कैंसिल करना पड़े, तो आप यहां पे यस पे क्लिक कर देंगे। चलिए तो मुझे कंफर्म पता है कि मुझे ट्रैवल करना ही उस डेट में है तो नो पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि मेरा बेनिफिट होने वाला है। देन उसके बाद देखिए क्या काम करना है, हम लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस निकल के आ जाता है। अब यहां पे अच्छे से देख लेंगे, अमाउंट आपको बता रहा है, यहां पे अमाउंट बता दिया है, यहां पे देख लेंगे सारा कुछ, यहां पे बताएगा ट्रेन का नाम, बोर्डिंग स्टेशन, टाइम टेबल, सब अच्छे से देख लेंगे क्योंकि अब फाइनल बुक होने वाला है। उसके बाद देखिए क्या काम करना है, सिंपली अगर गूगल पे से बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोन पे से बुक करना चाहते हैं यहाँ पे करेंगे, पेटीएम से बुक करना चाहते हैं यहाँ पे करेंगे। चलिए तो मेरे को फोन पे से बुक करना है तो फोन पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, फोन पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए थोड़ा सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस तक का वेट कर लेंगे हम लोग। देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ₹253 यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए टोटल पेमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए आप जिस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी बैंक इसमें ऐड करके रखे होंगे फोन पे में, वो आपको यहां पे दिखाई देगा। उसके बाद सीधा और सीधा हम लोग को करना है पे पे क्लिक। पे पे जैसे ही क्लिक करेंगे, पे पे क्लिक कर देने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब यहां पे अब जो फोन पे का 6 डिजिट का पासवर्ड है वो पासवर्ड को यहां पे फिल करेंगे, वो पिन को यहां पे फिल करेंगे जो फोन पे का 6 डिजिट का बनाए थे फोन पे में ट्रांजेक्शन करने के टाइम करते हैं, वो फोन पे का यहां पे पासवर्ड फिल करेंगे। और फिल कर लेने के बाद देखिए यहां पे आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपका टिकट बुक हो जाएगा। बुक हो जाने के बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर हमेशा लेकर आते रहता हूं। सो थैंक यू, धन्यवाद।